राम राम जी सर। हेलो, होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आप एमबीए के एग्जाम्स के बारे में कि आपके एग्जाम्स कब होंगे और आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या रहेगा और आपका जो एग्जाम हो वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। तो सबसे बात पहले बात करते हैं कि आपके एग्जाम कब होंगे। ठीक है, अभी जो सेमेस्टर चल रहे हैं पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड और फाइनल ईयर के, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा सेमेस्टर के जो भी एग्जाम्स होंगे और पीजी के पहला और तीसरा सेमेस्टर के, ठीक है, एमए एमएससी एमकॉम जो भी होते हैं इनके आपके एग्जाम वो आपके स्टार्ट होंगे, यानी कि यूजी के जो एग्जाम वो हो जाएंगे आपके 30 जनवरी से। ठीक है, आपका जो पहला एग्जाम होगा वो 30 जनवरी का होगा, उसके बाद आपके एग्जाम फरवरी में होगा। ठीक है, यानी कि 30 जनवरी का पहला एग्जाम होगा, उसके बाद आपका 31 का, फिर फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी से स्टार्ट। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्स है वो आपके 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी में आपके एग्जाम होंगे लगभग। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मतलब इस डाउट पे थे कि आपके एग्जाम कब होंगे। तो आपके एग्जाम 30 जनवरी से स्टार्ट है और आपके फरवरी में खत्म हो जाएंगे, मतलब 15 फरवरी तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। ठीक है, तो आपके एग्जाम मतलब कोरोना की वजह से आपके एग्जाम वो ऑनलाइन करवाए जा रहे थे, मतलब आपको छूट दे रखी थी कि आप ऑनलाइन मतलब दे सकते हो एग्जाम। ठीक है, लेकिन अब मतलब कोरोना की वो वैक्सीन वगैरह लग चुकी है, ऑफलाइन क्लासेस लग रही है, कैंपस वगैरह ऑफलाइन खुले हुए हैं, तो इस वजह से आपके जो एग्जाम्स है वो आपके अब की बार ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कईयों के लिए बढ़िया खबर है, कईयों के लिए बुरी खबर है, उसके लिए नो सॉरी नो थैंक्स। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ठीक है, पेपर पैटर्न वही सेम रहेगा जो पिछले सालों में रहता था, जो कोरोना से पहले था। ठीक है, यानी कि आपको NE5 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अब की बार पेपर कैसे होंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना एक बार ही। तो आज को मतलब तीन डाउट थे, तीनों के तीन मैंने क्लियर कर दिए कि आपके एग्जाम कब होंगे, 30 जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद आपका जो मोड है एग्जाम्स का वो है आपका ऑफलाइन मोड में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। पैटर्न है पेपर का, पेपर का पैटर्न आपका वही रहेगा कि आपको मतलब आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से ही आपको पेपर देने हैं कि आपको हर यूनिट में से क्वेश्चन करने कंपलसरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लिए, बहुत सारे ने सब्सक्राइब ना कर रखा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।